हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को आम लोगों के लिए निराशा करने वाला बजट बताया है। उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 2022 के बजट से उन्हें काफी आशा थी, लेकिन सरकार द्वारा पेश किए गए बजट से उन्हें निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए भी इस बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 2022 में किसानों की आय दुगना करने की बात कही गई थी, लेकिन किसानों की आय दोगुनी करने की बजाय लागत भी पूरी नहीं हो पाती। हुड्डा ने कहा कि पेश किए गए बजट में केवल आंकड़ों का खेल है, जिसे गरीब मजदूर और आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर भी बजट पर पड़ने वाले असर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैसे तो ये चुनाव राज्यों में है, लेकिन पेश किए गए इस बजट से वहां रह रहे गरीब मजदूरों पर भी बड़ा असर पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में पहुंचे थे। सर, बजट पेश हुआ है, सरकार ने कहा कि उम्मीदों से भरा बजट है। ये नीरस बजट है। जो उम्मीद थी, जो आशा थी, वो निराशा में तब्दील हो रही है, क्योंकि ये बजट किसान के हित में नहीं है। खाद की सब्सिडी जो 1,40,000 करोड़ थी, वो घटा के 1,05,000 करोड़ थी। गरीब आदमी जो मनरेगा में जो उसको मिलता था, जो 98,000 करोड़ थी, वो घटा के 73,000 करोड़ दी। तो इसका मतलब ये है, बजट किसी भी गरीब आदमी के लिए और बेरोजगारी के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, और जो महंगाई है उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। और जिस प्रकार से खाद की सब्सिडी कम हुई है, इसका मतलब लागत और बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ेगी, तो महंगाई पे अंकुश लगाने कोई कदम नहीं उठाया, सिर्फ आंकड़ों का खेल है, बाकी बजट निरस। टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। टैक्स में जो उम्मीद थी कि भाई जो पर्सनल इनकम में मिडिल क्लास को खासकर पर उसमें छूट बढ़ाई जाएगी, वो कोई नहीं बढ़ाया। मतलब मिडिल क्लास, गरीब आदमी, छोटा व्यापारी, किसान, मजदूर, इनके हित में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो वो इस जो महंगाई की उसमें फंसे हुए उससे बाहर निकल सके। 80 लाख घर देने की बात कही गई है, 50 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। रोजगार कहाँ देंगे, रोजगार बताएं तो कही। तो इन्होंने ये भी था 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, वो तो सिंगुलर भी नहीं रही, सिंगल भी नहीं रही, डबल की तो बात छोड़ो, तो वो कहने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक बजट का सवाल है, ये आंकड़ों का ख्याल है, कोई इस पर आशा, ये बजट आशा जो थी निराशा में तब्दील हो गई। चुनाव हम पर भी प्रभाव पड़ेगा, बजट से मानते हैं? चुनाव का देखो तो वैसे तो स्टेट्स के हैं, सेंटर का नहीं है, लेकिन उसका बजट का प्रभाव तो पड़ता ही है लोगों पर, जो गरीब आदमी पर, किसान पर, मजदूर पर पड़ेगा। तो निराश करने वाला बजट मानते हैं? मैंने कहा ना, जो आशा थी निराशा में तब्दील हो गई।